सो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। आज हम एक और न्यू वीडियो के साथ और आज हम पायल जॉन की कुछ थोड़ी सी बातें सुनेंगे जिसको देखकर आपको हंसी तो नहीं आएगी पर फनी जरूर लगेगा उसकी वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ सौरभ जोशी का असली चेहरा दिखाने के लिए। मतलब दीदी का ये कहना है कि हम लोग जो सुबह 8 बजे जिसकी शक्ल देखते हैं वो नकली है। सही बात है। के लिए आप लोग देख सकते हैं मेरे चेहरे पे कितनी सारी चोटें लगी हुई हैं, मेरे हाथ पे चोटें लगी हैं, आई गेस आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे नहीं हाथ पे कट्स लगे हैं, चोटें लगी हैं क्योंकि मुझे नोचा गया है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। बदले में मैंने भी सौरभ को नोच लिया था क्योंकि भाई अगर वो मेरे को नोचेंगे तो मैं भी नोचूंगी। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर अतरा फजर। चूंकि तो इन्होंने काफी ज्यादा मेरे को चोटें लगवाई हैं लेकिन उनको उतनी चोट नहीं आई जितनी मेरे को आई है। ये बात पूरे यूट्यूब को पता है कि सौरभ मुझे पसंद नहीं करते हैं। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते सौरभ जोशी तो मैं भी आपको पसंद नहीं करती हूँ। मेरे ऊपर भी हजारों वीडियो बनती है, इतनी वीडियोस बनती है जिनकी कोई गिनती भी नहीं होती वीडियो लेकिन मैं उनके ऊपर जाके हमले नहीं करती हूँ, उनके साथ मैं ऐसे हैवानियत वाला व्यवहार नहीं करती हूँ। अच्छा ठीक है, समझ गया। ठीक है, जो आपने करा है तो आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी, आप बस वेट करिए, आप रुकिए और रुको, जरा सबर करो और मैं आपको गाइस पूरा सबूत दिखा देती हूँ उन्होंने किस तरीके से मेरे ऊपर अटैक करा है। सौरभ ने मेरे साथ ये दरिंदगी शूटिंग के दौरान करी थी। आप लोग देख सकते हैं ये लोकेशन काफी ज्यादा अच्छा है, लोकेशन सुंदर है लेकिन लोग अच्छे नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं, सब लोग मतलब गाने को अच्छा बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे थे। भाई साहब इनने 1 साल पहले की वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपनी वीडियो में डाला है, मतलब समझे बजाय कि सौरभ के वो यहाँ पे बैठ के आराम फरमा रहे हैं। स्टार्टिंग में सौरभ और पीयूष दोनों मेरे साथ मजाक तो भी कर रहे थे। कॉस्ट्यूम हमने डाल लिया, बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल एक्ट्रेस है बहुत। अरे नहीं यार, हमने काम करने का हमको सौभाग्य। खुश तो ऐसी हुआ जैसे इसी की तारीफ हो रही हो। शर्म करो, भगवान से डरो। यहाँ सौरभ के बाल बन रहे हैं और आप लोग देख सकते हो वो कितने ज्यादा दुखी लग रहे हैं। मुझे बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया इन लोगों ने, बट या मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके गाइस, तो आपने अरे भाई ऐसी कौन सी मलम लगा ली, हमें भी बताओ। आपने पूरी वीडियो देख ली है कि शूट के दौरान क्या क्या हुआ था। तो हुआ ये था कि मैं गिर गई थी शूटिंग के दौरान एंड मेरे को काफी चोटें लगी थी, मेरा पूरा मतलब हाथ पे कटवट गया था एंड पूरे मेरे फेस पे काफी चोटें आई थी। तो मेरे को लग रहा था कि ये सब सौरभ जोशी ने जानबूझकर किया है, उन्होंने जानबूझकर मेरे को धक्का दिया है क्योंकि सबको पता है वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो मेरे को थोड़ा उन पे शक हो रहा था कि उन्होंने जानबूझ के करा है, ठीक है। लेकिन अभी सब लोगों से मेरी बात हुई है जो शूट के दौरान वहां उपस्थित थे, तो उन्होंने बोला है कि नहीं, सौरभ को इसमें कोई भी हाथ नहीं है, उन्होंने जानबूझ के मुझे धक्का नहीं मारा है। वो ना दीदी सौरभ जोशी ने पैसे खिला दिए होंगे, अब तो केस करो, हम तुम्हारे साथ हैं, साथ हैं। सीन के दौरान गलती से हो गया था। सो मैं बोलना चाहूंगी कि आई एम रियली सॉरी अगर मैंने सौरभ के ऊपर थोड़ा झूठा मैंने कुछ गलती से इल्जाम लगा दिया तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज सौरभ ने ये नहीं किया था। एंड ये जो शूट की वीडियो है ये थोड़ी सी पुरानी है, अभी मैं बिल्कुल सही हो चुकी हूँ, मेरा फेस आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक हो चुका है, ये मैं बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं डाली थी कि मतलब मैं उसी दिन डाल देती रिकॉर्ड करके, इसलिए मैं नहीं डाली थी क्योंकि भाई सौरभ की कोई गलती नहीं थी। मैं तो भाई सौरभ जोशी आए थे कि भाई ये वीडियो डाल दो, भाई ये वीडियो क्या भाई यमराज प्रकट हो गए थे कि वीडियो डाल दो चैनल पे, जानबूझ मतलब थोड़ा सा गलती से लग गया था उनसे तो मैं गिर गई थी। तो हाँ अभी मैं ठीक हूँ। और गाइस जिस प्रोजेक्ट के लिए हम शूट वगैरह कर रहे हैं वो भी जल्दी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पे भरोसा नहीं है तो भी आपको वो प्रोजेक्ट देख के भरोसा हो जाएगा बिकॉज वो एक मेन चैनल पे आएगा सौरभ के, तो आप लोग को तब तो भरोसा हो ही जाएगा। ओके आप मेरे पे भरोसा नहीं करते लेकिन आप उन पे तो करते ही होंगे, जो जितना ज्यादा बुरा होता है लोग उन पे इतना ज्यादा भरोसा करते हैं। सो गाइस वही एक बात है, हाँ मेरे को पता है सौरभ ने मेरे ऊपर हमला नहीं किया बट फिर भी हमारी पहले की तो लड़ाइयां चल रही है ना, तो मैं उसे तो नहीं भूल सकती गाइस क्योंकि उन्होंने जो पहले ट्रिगर्ड इंसान के साथ मिलकर मेरे को इंसल्ट किया वो सब मेरे को अभी तक याद है, ठीक है। मैं माफ कर सकती हूँ लेकिन मैं भूलती कभी नहीं हूँ, तो मेरे को सब भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी सब याद है सौरभ ने मेरे साथ क्या क्या किया इसलिए मैंने उनको बुरा बोला है। बट हाँ लेट सी गाइज, जो भी प्रोजेक्ट आएगा मैंने मन से काम किया है तो आप लोग जरूर देखना। और तो भाई लोग वीडियो को कहते हैं एंड है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।